Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. And yes, ये मेरे सलाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आज का मूड कैसा है हमारा. Because yes, आज का मूड इसीलिए इतना अच्छा है because जिस तरह कल पाकिस्तान टीम ने सबसे पहले तो बैटिंग की, और मैं पूरा मैच नहीं कहूँगी बट जैसे बैटिंग की, एंड उसके बाद फिर रहमत बरसी. एंड वो कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम केम इन एक्शन एज सून एज पाकिस्तान स्टार्टेड प्लेइंग फेयरलेस क्रिकेट. और जिस तरह कल पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया, 21 रन्स ऑन द DLS, ये मैच जो है अपने नाम किया. एंड इट वाज नॉट जस्ट द DLS, इट वाज द अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन. वो पर्ची आई और उस पर्ची के बाद किस तरह एक्सेलरेट करने की कोशिश की गई आफ्टर दैट रेन ब्रेक, उस सारी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर डिस्कशन होगी. मगर आज जो है, इट इज़ द क्लैश ऑफ टाइटन्स टुडे बिकॉज द टॉप टेबल टॉपर्स वुड बी इन एक्शन वेयर इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वुड टेक ऑन ईच अदर. और आज पता चलेगा कि वर्ल्ड कप में दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है. साउथ अफ्रीका जो कि एक मैच नीदरलैंड से हार चुकी है, बट इंडिया जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, क्या आज विनिंग स्ट्रीक साउथ अफ्रीका इंडिया की रोक सकेगा, तोड़ सकेगा कि नहीं तोड़ सकेगा, वो आज बात करेंगे यहाँ इस शो पर. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ हैं स्पार्क्स. और आपने बारिश की कल बात की तो एब्रे करम आज इतना बरस कि मैच मुकम्मल ना हो सके और वहीं पर पाकिस्तान को दो अहम पॉइंट्स मिल गए हैं. तो बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच रहा. फखर जमान की जानिब से रिकॉर्ड साज इनिंग खेली गई. उस इनिंग के बाद क्या हुआ, उस जीत के बाद क्या हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे. क्या माइंड सेट था, उस हवाले से भी बात करेंगे. अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता हूँ. हमारे अपने बुमबुम लाला शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. और अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम कहते थे आप, क्या आपने सब्र ही नहीं किया थोड़ा पिछले. अच्छा हाँ, वालेकुम सलाम. हाँ लाला, बहुत ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन. और बाकी वैसे तो जो कहते हैं यूसुफ भाई मुशी भाई के जो भी पहनते हैं सूट करता है, लेकिन ये कलर आपका बड़ा आंखों को भा रहा है, बड़ा पसंद है. एक बहुत पुरानी जैकेट है जिसको मैंने बहुत दफा पहना है. एक कलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, बड़ा जरूर लाइट कलर है. अच्छा, कुछ फेवरेट होती है, नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल सही कह रहे हैं. चले जी, अब आगे बढ़ते हैं. हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक कसौटी हो जाए. ओहो, आपको मैं कुछ सवाल का ऑप्शन देता हूँ, आपने गेस करना है वो कौन से मेहमान हमारे हो सकते हैं. अच्छा, क्या वो बल्लेबाज है? बिल्कुल है. क्या वो बॉलर है? बिल्कुल है. क्या वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है? बिल्कुल है. तीन के सही, तीन के तीन सही. अच्छा, तो वो तो फिर पीर बाबा भी होंगे. बिल्कुल 100% लगता है आप पहुंच गई हैं. क्या उनकी हाइट 5'3" है? बिल्कुल है. बिल्कुल मुशी भाई उनकी रह गए. कोई चीज रह गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यूसुफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूसुफ पूछते क्या वो मोटे हैं. नहीं यार, फिर तो आप चीज सब कहते कोई चीज रह नहीं गई. कोई आप रह नहीं गए. काका ने कहा था नहीं वो छोटे हैं. तो एक नए स्टाइल से, एक नए अंदाज से मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. और आपने बहुत अच्छी कसौटी खेली. ये भी मेरी गेम आप लोगों ने चोरी की है, कोई बात नहीं. इसके ऊपर भी मैं आपको हरजाना करूंगा और इसके ऊपर मैं आपको सू करूंगा. अच्छा, हमारे साथ तीसरे हमारे जो पैनल में हमारी इस फैमिली का अहम हिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं. खामोशी से हैं वो, न्यूजीलैंड की टीम की तरह, जैसे हमने शुरू में कहा था ना कि आती है खामोशी से अपना काम करती चली जाती है. तो यूसुफ भाई की वो खूबी है, आते हैं और खामोशी से अपना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं. यूसुफ भाई लेजेंडरी बल्लेबाज, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच रहे हैं, जिसको आप हमेशा सवाल करती हैं कि आपने क्या किया. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वाले सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नहीं, आज का शो मैं यूसुफ आपकी तरफ से शुरू करूंगी, वो इस वजह से. गुड लक, माय गुड लक, माय गुड लक. यूसुफ आपने क्योंकि जिस तरह कल पाकिस्तान ने बैटिंग की है और जिस तरह कल पाकिस्तान ने वो खेला है, इनफैक्ट पाकिस्तान ने बैटिंग किया, फखर जमान ने जिस तरह कल बैटिंग की है, आपने अच्छा खासा टाइम फ्रेम जो है वो फ़खर के साथ काम किया. और हमने वक्तन फ़वक्तन कहा कि नहीं जी, टेक्निकल इशू है फ़खर का, बट वो कभी कभार जब वो खेलते हैं तो वो टेक्निकल इशू साइड पे रख देते हैं एंड देन ही प्लेज व्हेन ही इज़ ऑन सॉन्ग नो वन्स सिंगिंग. तो फ़खर के ऊपर जितना काम किया एंड कल जिस तरह अप्लाई किया, अभी भी फ्लॉज कहीं ना कहीं हम ढूंढने चाहें तो ढूंढें, मगर जिस तरह की कल इनिंग फ़खर ने खेली, इट वॉज इमेंसली वंडरफुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फलाज अपनी जगह है, ठीक है, वो तो रहेंगे जब तक उसको ठीक नहीं करेगा. कल की इनिंग, वो आप सेकंड इनिंग जब शुरू होने वाली थी उस वक्त ही हमने कहा था कि फखर जबान अगर चल गया तो बहुत डेंजरस है, वही हुआ कल.
तो फखर जमान की टेक्निकल प्रॉब्लम यह है जब तक वो खेल रहे ऐसे ही रहनी है, लेकिन बन गई मसल में उसने ऐसे ही खेलना है। जब थोड़ा सा स्विंग ब्रेक होगा फिर देखेंगे उसकी टेक्निक कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन कल की इनिंग जो थी वो मैच में इनिंग थी, वो ऐसी खेले करेगा बीच में ऑन एंड ऑफ, वो साल में एक दो तीन चार इनिंग ऐसी खेलेगा। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल की बात की है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। वो है। इसका मकसद ये नहीं कि कल अगर उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली तो टेक्निकल चीज़ें सही हो गई हैं, वो नहीं। वो इसके गेम है, खेलने का तरीका है, उसको चेंज करना भी गलत है। और इस तरह की इंटेंट हमें चाहिए आजकल की क्रिकेट में, जो क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट है। हम शुरू से पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट, हमारी इंटेंट ऐसी होनी चाहिए। अगर पहली बैटिंग है तो हमें 350 तो कम अज़ कम, ये कम अज़ कम हमें 350 करने हैं, क्योंकि दूसरी टीमें 280-270 करने के लिए नहीं आई, वो 350-400 के करीब। साउथ अफ्रीका ने 4 दफ़ा तो 350 से ऊपर रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, इंडिया कर रही है, तो हमें क्या है। जब तक हम अपने बॉलर्स को, अभी भी कल मैंने जब एक ट्वीट किया उसमें बॉलर्स को मैंने कहा गया, बॉलर्स को इस मैच विकेट पर पढ़नी पड़नी थी। लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि आजकल की क्रिकेट क्या है, वो हमारे टाइम की क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं। तो ये बॉलर्स भी हमारे पाकिस्तान के हैं, कोई बाहर से नहीं आगे बॉलिंग करते। हमने अपने इन बॉलर्स को भी बैक करना है कि वो बेचारे इतनी टफ विकेट पर आपको इतनी अच्छी बॉलिंग करके दें। हाँ ये ठीक है कि आप विकेट टू विकेट करें, उनको चांस लेने दें, बैटर्स को चांस लेने दें। आप जब बाहर बॉलिंग करेंगे उसको हम भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन जो क्रिकेट है आजकल की, जो विकेट मिल रही हैं, जो रूल्स हैं, उस पर बॉलर्स को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैटर्स की क्रिकेट है आजकल। आप बैटर्स पे आप 350-450 करके दें, फिर बॉलर्स करवाते हैं तो फिर सारे उनको भी क्रिटिसाइज करें। मॉडर्न डे क्रिकेट, बिल्कुल हम बात करते हैं लाला के, मॉडर्न डे क्रिकेट होनी चाहिए। फखर के लिए बार बार ये बात होती है कि वो शायद 10 मैचेस में से 2 दफ़ा करेंगे। अब 10 मैचेस में से 2 दफ़ा करेंगे, ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं टीम के लिए, मगर उसके बाद पूरी और टीम का किस तरह क्या कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए कि वो तो 10 मैचेस में 2 दफ़ा करेंगे, बाकी 8 मैचेस में करने वाले भी तो नीचे होने चाहिए डाउन द ऑर्डर। देखिए बात ये है कि ऑलरेडी यूसुफ ने इस टेक्निकल चीज़ों को कवर कर ली है। कल का जो स्टेज था वो सिर्फ फखर के लिए था, कल की पिच पे टेक्निकली कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी बैट्समैन होता, क्योंकि फ्लैट विकेट था, ज़बरदस्त बॉलर, जिस तरह यूसुफ ने कहा कि बहुत मुश्किल था, नो डाउट बहुत मुश्किल था। लेकिन कल जो फखर जिस तरीके से खेला है ना, मैं चाहता हूँ कि फखर हर मैच में इस माइंडसेट के साथ खेले। कभी वो करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन जब वो करेगा ना उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसी माइंडसेट के साथ जाए, चाहे जैसी भी फॉर्म लगी हो, इस प्लेयर से मुझे 5 से 6 मैचों में 6 मैच कर लेते हैं, 6 मैचों में से 2 इनिंग ये लड़का खेले, बाकी इट्स अ टीम गेम, हर लड़के ने अपना हिस्सा तो डालना ही है। लेकिन अगर मैं सारे प्लेयर्स को उठा के देखूँ ना, मुझे शुरू में भी अगर आपको याद हो, मैं फखर को हमेशा बहुत ही हाई रेट करता था और यही कहता था कि आपके पास एक ही मैच विनर है जो गेम चेंज कर लेता है, जिसके अंदर मैच विनिंग एबिलिटी है। तो आई मीन के फखर का परफॉर्म करना, जो हम कहते हैं कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, जिसकी कमी हमें महसूस हो रही थी कि हम यार स्टार्ट ले नहीं रहे सही तरीके से, तो पिच अगर इस तरह की होगी। देखिए मैं ये बताऊं कि अगर जहां थोड़ी सी पिच के अंदर थोड़ा सा बेहतर बाउंस, जहां फास्ट बॉलर एंजॉय करेंगे, अब सारी टीमें बड़ा काम करके आती हैं, वो वीकनेसेस देख के आती हैं, जिन टीम प्लेयर से उनको खतरा होता है उनको नज़र आती हैं। तो वहां पे यूसुफ की बात मैं सेकेंड करूंगा कि वहां टेक्निक आ जाती है सामने। जो अच्छे बड़े बॉलर हैं वो जाहिर बात है काम करके आते हैं ना, उस बैट्समैनों की स्ट्रेंथ को देख के, एंड देन वो अपना होमवर्क। जो यूसुफ बात कर रहा हूँ बिल्कुल 100% सही बात कर रहा है कि वो उन्होंने आके अगर उस एरिया को पकड़ लिया और वहीं से या तो बॉडी के अंदर अंदर टाइट या ऑफ स्टंप की विकेट से बाहर स्विंग करके बाहर की तरफ, तो वो उसके लिए वहां टेक्निक आ जाएगी फिर। लेकिन जो भी सिचुएशन हो, जिस तरह का भी हो, अगर आपकी आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो इस तरह की पिचों पे आप दूर से भी बॉल को बाउंड्री के बाहर कर सकते हैं। तो कल की जो स्टेज था टोटली फखर के लिए, उनकी बॉलिंग को देख लें, पिच को देख लें, ग्राउंड का देख लें, बाउंड्री को, तो हर चीज फखर के लिए थी और आउटस्टैंडिंग इनिंग, आउटस्टैंडिंग। एक डेजा वू फीलिंग हुई मुझे कल, बिकॉज कल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इंटरव्यू भी शाया किया जहां पे फखर और बाबर आपस में बात कर रहे थे, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे पार्टनरशिप का। जिस तरह आपने बताया था कि जब आपकी और मिसबा की पार्टनरशिप हुई थी, उसी तरह बाबर ने कहा कि हमने लंबा लेकर जाना है इस पार्टनरशिप को। थोड़ी देर तो फखर ने रोका, एक चौका लगाया, ग्राउंड शॉट्स मारे, उसके बाद फखर ने कहा मैं नहीं रुक सकता, तो उसने कहा ठीक है बस
तुम खेलो मगर लंबा लेकर जाना है इस अच्छा ये तो वही वाली बात होगी कि जाके छक्के चौके मारो लेकिन आउट आउट नहीं हो। तो आई मीन के आप कप्तान प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ पे छोड़े कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रहा है वही स्ट्रेंथ उसकी है और उसी में ही फखर हमें नजर आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि फखर के साथ कल मुझे बाबर का इंटेंट बहुत अच्छा लगा। ये अगर एक बंदा इस तरह खेल सकता है वाई नॉट कि वो खेले इस तरह। वो कप्तान की इंटेंट तगड़ी होगी, जो नीचे से प्लेयर आएंगे वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे। तो बाबर का कल इंटेंट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत जबरदस्त तरीके से खेला है। इसका मतलब है कि बाबर आजम खेल सकता है इस तरह की क्रिकेट, व्हाई नॉट। देखो खरबूजा देख के रंग बदल गया, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन विकेट भी, विकेट भी बहुत सपोर्टिंग थी। जी मुशी भाई, गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, इस पर हम बाद में बात करते हैं कि वीडियो बनाने की भी ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन अगेन जो बाबर के इंटेंट की बात हो रही थी, फ़खर की इनिंग की बात हो रही थी और जो भी ये कहा कि शायद हम 400 भी चेस करते हैं, और फ़खर ने जिस तरीके से कहा शायद नहीं हम करते 400 चेस। देखिए दोनों ने बड़े अच्छा तरीके से स्टार्ट किया, ये होता है मोमेंटम। यूसुफ ने काम एंड कूल, शायद की पर्सनैलिटी है, ही वेंट लाइक वेरी अल्फाजों का जो इसका चुनाव हुआ ये अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी बाबर ने क्या कहा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, क्या कहा कि हम शायद जीत सकते हैं। फखर ने क्या कहा, हम जीतते जीते। दोज काइंड ऑफ द वर्ड्स यू कैन सी कि पीपल आर क्लियर और नॉट क्लियर। ये चीज़ें जो आपको नोट करनी पड़ती हैं, यहाँ से पीपल लोगों का माइंडसेट बदलना पड़ता है। आपकी जो इंटेंट था कल जो बार बार मारते हैं दोनों ने कवर कर दिया है, तकरीबन पिच बहुत आला थी। yes. इसमें हमारे लिए लकीली ऑब्वियसली यू नो जब मोमेंटम फखर का गया है, हम बार बार सारे अपने पैनलिस्ट हमारे जितने भी उनकी राय एक ही है कि ये 5 मैच खेलेगा, 3 में इसने फेल होना अगर इस इंटेंट से खेला। बीच में कई दफ़ा फखर बनता है सियाना, वो सियानापन नहीं इसको बनना चाहिए, ये इसकी गेम है। जो बंदा भी अपनी स्ट्रेंथ से हटके बैट्समैन बनने की कोशिश करता है, और बैट्समैन पता है कब बनता है, जब उसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर देते हैं कि यार तू देख के खेली, आराम से खेली। अब कल केन विलियमसन और रविंदर खेल रहा था, ठीक है दोनों बैटिंग कर रहे थे, कभी एक दफ़ा जाके उसने केन विलियमसन ने जाके उसको कहा कि रुक के खेल, आराम से खेल, फ्लां काटी, वो लेट देम मेक मिस्टेक। अगर बड़ा प्लेयर बनने के लिए वो जब ग्राउंड के अंदर जा रहा होता है ना, हमारे कल्चर में हम डिक्टेट कर रहे होते हैं कई दफा। मुझे भाई सियाना बनने को थोड़ा जरा इलैबोरेट करेंगे, क्या होता है सियाना सियाना बनने के, जिस तरह वो कहे जी मैं लंबा जाऊंगा, ठीक है, सी द बॉल हिट द बॉल, दैट्स हिज स्ट्रेंथ, यू नो सी द बॉल हिट द बॉल, ये उसकी। पहले 10 ओवरों में क्या होता है, 2 फील्डर बाहर होते हैं, उसको यूटिलाइज करो, आउट होगा तो ठीक है आउट हो गया, अगर उसकी चल गई जिस तरह के इसकी चलती हैं, मतलब स्लिपों के ऊपर से चले जाएगा वो, विकेट कीपर के ऊपर से चले जाएगा ये इधर उधर, अगर उसके चल गए 10 ओवरों में कई दफ़ा वो 30 करेगा 10 बॉलों पे 15 बॉलों पे, वो 30 कई दफ़ा 70 से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने वो फर्मा फिट कर दिया, बॉलरों को अंडर प्रेशर कर दिया। अब आके आप जो 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 अच्छे प्लेयर हैं वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेले, बाबर अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलेगा। हम क्या करते हैं 10 ओवरों में फखर को कहते विकेट ना गिरे, जैसे शायर ने कहा ना कि यार छक्के मारने पर आउट नहीं होना, दैट्स नॉट अ ग्रेट मैसेज। मैसेज इज यू आर देयर टू हिट द बॉल एंड गो एंड गेट इट, बस सिंपल सी बात है, जाके खेलो, खुला खेलो। ये जो मोमेंटम होता है ना तब बंदा करता है जब हम आउट होने से डरते हैं, जब हम यार अगर विकेट गिर गई तो क्या बनेगा, वो भाई अगर हारने का डर नहीं निकालेंगे, अगर विकेट आउट होने का डर नहीं निकालेंगे, चौके छक्के का डर नहीं निकालेंगे, तो आप प्लान को अपने कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये एक तो ये बात होगी जो क्रिकेट की बात है, बाकी ये जो वीडियो की बात है आई बिलीव पर्सनली इस वीडियो की बात पे हम यहाँ रुकेंगे, बिकॉज हम ये इस पर डिटेल में बात करेंगे कि वेदर दीज वीडियो शुड स्टार्ट हैपनिंग जब हम जीत जाते हैं या फिर हार में भी फिर वीडियो होनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जाते जाते उस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की बाबर ने कि स्विंग तो मिल रहा था बॉलर्स को मगर आपने उस स्विंग को खराब कर दिया, यानी फखर ने जिस तरह अटैक किया और उसके बाद से लाइन और लेंथ हिल गई बॉलर की। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is India versus South Africa, the most awaited match of this World Cup, because we are expecting a good contest happening here. क्योंकि दोनों top की teams हैं, दोनों अच्छी performance दे रही हैं। Toss की मैं अगर आपको बात बताती चलूँ तो India ने
टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, और हाई प्रेशर मैच में मेरा ख्याल से पहले बैटिंग का फैसला करना सही था। दूसरी तरफ मुशी भाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका, हमने देखा है कि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को चेज करने में प्रॉब्लम हुई है, नीदरलैंड के खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने टफ टाइम दिया था, मे बी दैट कुड बी अनदर रीजन। आई थिंक वन ऑफ द रीजन डेफिनेटली, और उसके लिए जो इंडिया है बड़ा प्रोफेशनली फैसले कर रहा है जो इस फैसले के ऊपर है। उन्होंने कोई चीज नहीं टेस्ट की, कोई चेंज अपनी टीम में नहीं लाए, उनको पता था कि आखिरी मैच में बड़े कन्विंस आराम से जीते हुए हैं। तो अब उनके जो वो इस मैच से अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए हमें ऐसा मैच मिलना चाहिए जिससे हम अपने आप को ना थोड़ा सा प्रेशर में रखें। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन दे वेंट विद द फुल टीम, एंड ऑल्सो दे नो कि जी अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हरा देंगे तो इस हराने के ऊपर ना जो मोमेंटम शिफ्ट होता है ना आखिरी चार मैचों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम 92 के वर्ल्ड कप की लोग अक्सर बात करते हैं ना, तो हमारे चार पांच मैचों का जो मोमेंटम बना था ना, वो मोमेंटम ऑल द वे फाइनल में जब हम पहुंचे ना, तो आप यकीन करिए कोई प्रेशर ही नहीं था, बस ये एक्साइटमेंट थी कि जल्दी जल्दी टॉस हो और मैच शुरू और हम जीते। तो ये जो जीत होती है ना, ये जीत का जो मोमेंटम होता है, पाकिस्तान के दो तीन आखिरी मैच देख लेना, मोमेंटम शिफ्ट हुआ हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और वो मोमेंटम तब शिफ्ट होता है जब आप किसी चीजों को सामने नहीं रखते, मतलब फेलियर का डर निकल जाता है, पोजीशन का डर निकल जाता है। तो आई थिंक ये जितने भी हमारे साउथ अफ्रीका और इंडिया का ये मैच है, आई होप अगर साउथ अफ्रीका ने आज इनको अंडर प्रेशर किया और बैटिंग करते हुए इनको अंडर प्रेशर कर दिया, तो ये अगर हार भी जाते हैं, इसके बावजूद आप देखिएगा कि ये आने वाले वक्तों में सेमीफाइनल में देखिएगा कि किसी को भी सेकंड बैटिंग करते हुए प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं। टुडे इज द बेस्ट टेस्ट फॉर साउथ अफ्रीकाज बैटिंग, कि अगर वो दिखे कितना स्कोर है, कैसे टारगेट, उस टारगेट को चेस करते हैं। बट देन इंडिया लुकिंग एट समवनस वीकनेस एंड नॉट लुकिंग एट देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने चेज ज़्यादा चेज में विन किए हैं, जो जिनके खिलाफ उन्होंने बैट फर्स्ट किया है वो टीम्स थी जो कि बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, तो उनके खिलाफ बैट फर्स्ट किया, वरना इंडिया इज़ अ बेटर चेजिंग साइड इन कंपैरिजन टू बैटिंग फर्स्ट साइड। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखा और दूसरे की वीकनेस को देखा। आई थिंक टैक्टिकली न्यूजीलैंड ने भी गलती की थी, और मैं भी उस गलती में आई एम वन ऑफ द, यू नो मेरी भी ये आवाज़ थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए, उन्होंने बैटिंग चेज की और न्यूजीलैंड वो मैच हार गया। हालांकि सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी कुछ ये थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको चाहिए था कि बैटिंग उनको करवाते और सेकंड बैटिंग करवाते, क्योंकि जितने भी मैच साउथ अफ्रीका खेला अभी तक, दो एक मैच आ रहा है किसके खिलाफ, नेदरलैंड, क्या करते हुए चेज, थैंक यू वेरी मच, और जब भी हारता है कैसे आ रहा है, चेज करते हुए, और किसके दो मैच आ रहा है मेरा ख्याल, बिलीव नहीं एक आ रहा है, एक हम करीब आए थे बहुत, पाकिस्तान तकरीबन भी चेज कर रहे, वो हार गया तकरीबन, अगर देखा जाए तो हार गया था वो। तो दोनों मैचों में लो स्कोरिंग मैच, ये भी नहीं कि 300 प्लस हुए, 270 से ज्यादा स्कोर नहीं था दोनों मैचों में, दोनों मैचों में उनसे चेज नहीं हो रहा था। तो आई थिंक ये इंडिया ने बिल्कुल ठीक है, प्रोफेशनल है। आई थिंक समटाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ का तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट है ना, ये बड़ी टैक्टिकल गेम है, इसको टैक्टिकल तरीके से भी खेला जाए तो यू स्टिल कैन एक्चुअली डू योर, क्या कहते हैं उसको, अपनी स्ट्रेंथ पे रह के आप ऑपोजिशन की वीकनेस को कर सकते हैं। लला, जो आज के मैच में दोनों टीम्स मैदान में उतरी हैं, तकरीबन इंडिया तकरीबन ही टॉप टू में ही फिनिश करती है अगर अगले दोनों मैचेस हार भी जाती है, उसके बावजूद उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना, ये क्या शो करता है? ज़बरदस्त जी, अच्छी, ये अच्छी सोच है इनकी, और मेरे ख्याल में क्योंकि जब टीम जीती जा रही होती है, जीती जा रही होती है, उससे कॉम्बिनेशन का फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना कॉन्फिडेंस फील करती है उनकी बेंच, उनको पता होता है कि बेंच के लड़के को भी अगर हम खिलाएंगे जो पास में इन्होंने किया है, तो वो भी उनकी स्ट्रेंथ ही रही है। अच्छा है, लड़के इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, पिचेस का आइडिया आपको, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे खेल नज़र आ रही हैं हमें, मैचेस नज़र आ रहे हैं, तो उसको अडॉप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल में अच्छे प्लान के साथ जा रहे हैं, एक इस वक्त ऐसी लग रही है कि इस वक्त एक फेवरेट कहूंगा वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में से वो टीम है। बट ईडन गार्डन्स कोलकाता, ये कोलकाता में मैच हो रहा है अभी, इस वक्त जो हमें पिच दिख रही है बड़ी रफ रगेड सी पिच दिख रही है, और शायद स्पिनर्स बड़ा इंजॉय करेंगे थोड़ा सा, जो क्लोज मैंने देखा पिच को इस वक्त काफी ज्यादा क्रैक्स बने हुए हैं, तो इसमें पैचेस बहुत ज्यादा बनेंगे जिसका फायदा इंडियन स्पिनर्स खासतौर पर उठाएंगे। इस वक्त इंडियन फास्ट बॉलिंग के साथ साथ उनकी स्पिनर्स जो है, जिनका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम करते हुए आए हैं बात, तो उनके फास्ट बॉलर भी कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, साथ में स्पिनर्स भी कर रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए? जहाँ बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, हर टीम के बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो नया बॉल और पुराना बॉल इस वक्त इंडिया के बॉलर्स कर रहे हैं, वो किसी और टीम के अंदर वो वैरायटी, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक क्विकली पिच के ऊपर, जैसे मैंने भी देखा ना, जो स्पाइक्स पड़ते हैं ना, और हल्का सा जब आपका वो बुरबुरा सा निकलता है, वो पिच वो फ्लैट पिच होती है, स्लो पिच होती है, लो पिच होती है, क्योंकि जब आपका जो जब स्पाइक्स पड़ते हैं ना, इतने लंबे हैं ये, इनका कद इतनी, इनकी हाइट इतनी, जब ये पड़
चलता है ना, तो जब अगर तक सुराख अंदर तक नहीं ना जाता तो इसका मतलब है ये पिच जो है ना ऊपर ऊपर से हल्की हल्की जो ना इस वक्त डैम्प है, उसकी वजह से ये ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठ रही है। मगर होती क्या है, बिल्कुल फ्लैट होती है ये। आप देखिएगा कि ये जितना जितना मैच होना है इसने स्लो और लो होते जाना है। अब ये सुबह सुबह का टाइम है, पहला टाइम है, तो 4-5-10 ओवरों के बाद आप देखिएगा कि पटाखा पिच होना है। कलकत्ता का ये सबसे जितनी भी हमारी हिस्ट्री है ना, ये इनकी पिच ऐसे ही है। सुबह थोड़ा सा होता है, हल्का सा डैम टाइप खेलता है, स्टॉप करके बॉल खेलता है, रुक के खेलता है, उसके बाद वो बड़ा फ्लैट होता है पिच। यूसुफ, इस वक्त जो है हम कॉन्टेस्ट जो जिसकी बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है जहां हम रोहित शर्मा और शुभमन गिल को एक तरफ बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली फियर्स बोलिंग जो साउथ अफ्रीका की है वो एक दूसरे के आमने सामने है। क्या एक्सपेक्ट करें हम इस कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें? देखिए, दो बेस्ट टीमें आमने सामने हैं और तवक्को तो यही करें कि बहुत अच्छी क्रिकेट होगी। होम ग्राउंड है इंडिया का और इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके बैटर्स, उनके बॉलर्स, इवन फील्डिंग, तीनों फॉर्मेट में वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी जो स्टार्ट लिया इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त। देखिए, इनको टेक्निक का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है सब प्लेयर्स को, स्पेशली बैटर्स जितने भी इनके। इवन आप सातवें नंबर पर जडेजा आता है, वो भी बहुत अच्छा, उसका अगर आप बैलेंस देखें, उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, बहुत अच्छी है। तो इंडिया के पास सारे बॉक्सेस जो है टिक हैं। ठीक है, ये फेवरेट तो है ही, ये पहले दिन से है, ये नहीं कि वो इंडिया तो हम कहेंगे नहीं जी, वो बेहतर टीम है, फेवरेट है। जैसे मैंने पहले भी कहा 99 में जैसे हमारी टीम थी, वो तो खैर बहुत बड़ी टीम थी, उस तरह के इनमें कम प्लेयर हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ऐसे प्लेयर, सकलैन मुश्ताक, ये सईद अनवर, इंजमाम उलक, ये इस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी टीम बहुत जबरदस्त है, अनबीटेबल टीम है। अपनी कंडीशंस का भी फायदा वो भी, लेकिन ये टीम ऐसी है, ये बाहर भी अच्छा खेलेगी, ये खेलेगी क्योंकि इनमें सारी चीजें हैं। देखा जाए तो मैं समझता हूँ आज का मैच जितना अच्छा होना चाहिए वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन गेम होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी एक आधी गेम हो गई हुई है बहुत अच्छी, एक रन से या दो रन से ऐसे कोई मैच हुआ है, लेकिन ये बेस्ट गेम है। हमने सबसे अच्छा इंटरटेनिंग मैच किया था जब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, वहीं से तो इंटरटेनिंग मैचेस शुरू है, लेकिन ये जो तो वन साइडेड हो रहे थे ये मैच, इसलिए भी ये अपनी पूरी टीम खिला रहे हैं कि नंबर वन होना चाह रहे हैं, क्योंकि नंबर चार पे जो टीम आएगी या पाकिस्तान आएगी या न्यूजीलैंड आएगी, वो कदरन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से ज़रा वीक टीमें होंगे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी खिला रहे हैं और उन्हें पता है कि 3-4 गेम्स रहेगी उसके बाद रेस्ट है, तो इसलिए अपने लड़कों को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो पूरी टीम खेल रही है, कोई वो ऐसा मौका नहीं आने दे रहे कि जिससे कोई शकुशबात पैदा हो कि हमारी टीम में कोई वीकनेस है या कोई ऐसी चीज़ है, वो विनिंग स्ट्रीक को साथ रखना चाहिए। ठीक है मुझे भाई, तबरेज़ शमसी आज वापस आए और इस विकेट पर तबरेज़ शमसी का कैसा किरदार आप देखते हैं? कोइट्ज़ी वो जो इनके ऑलराउंडर हैं, आज उनको आराम दिया गया है या उनको रेस्ट करवाया, या प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 हम देख रहे हैं कि बाकी टीम्स बना रही हैं जहां पर स्पिनर की जरूरत थी, बेशक मैन ऑफ द मैच है, एक मैच पहले अगले मैच में रेस्ट करवा दिया जाता है, आज भी शमसी की वापसी हुई। आई थिंक शायद ने पहले कहा ना स्पिन के चांसेस हैं, स्पिन कंडीशन के मुताबिक स्लो है ना, तो स्लो के ऊपर आप इंडियन जो है ना वो मीडियम पेस, अभी देखें रोहित शर्मा कैसा ऑन दी अप खेल रहा है, इतनी फ्लैट पिच है, उसने 2-3 चौके मारे ऑन दी अप मारे हैं, इतना अच्छा पिच लग रहा है, हालांकि ये अभी पहला तीसरा चौथा ओवर चार इसके बावजूद जो शमसी है ना, ऐसे जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं दे कैन ऑलवेज गेट यू विकेट, और उन्होंने दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ जब भी, मगर इंडिया के अंदर एक चीज़ है कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उनके अंदर ये है कि वो चौका भी मार लेते हैं, छक्का भी मार लेते हैं और सेम टाइम उनको रोटेट भी कर लेते हैं, उसकी वजह है कुलदीप उनके पास है और नेट में वो कुलदीप को खेलते रहते हैं, तो इसलिए उनको रीड करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शमसी का जो गुगली इतना अच्छा नहीं होता जितना कुलदीप का होता है, बट हैविंग सेड दैट कि उसका जो, क्योंकि रीड करना आसान होता है बैट्समैनों के लिए, नेट में खेल खेल के आसान हो जाता है, इसलिए उस एंगल को ये शमसी को, आई डोंट थिंक सो शमसी आज इतना इफेक्टिव होगा इनके खिलाफ, मुझे ये लगता है। ओके, सो हम इंडिया की बात काफ़ी फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान जो कल जिस तरह मुकाबला हुआ, लाला सब अब ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव वन इट, हमने जीत लिया है कल का मुकाबला, तो सब ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो कंडीशंस ऐसी थी, बोलर्स को रन्स पड़ने थे, ठीक है वो कंडीशंस ऐसी थी, बट जब आप जिस वक्त मैच देख रहे होते हैं उस वक्त बोलर्स जिस तरह की बोलिंग कर रहे थे कल, पहले हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बनाया ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बोलर फ्रॉम पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप, और थोड़ी देर बाद शाहीन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और शाहीन ने वो रिकॉर्ड बनाया,
क्या कंडीशंस थी, वाकई लुक्रेटिव थी बैटर्स के लिए, मगर क्या बॉलिंग अच्छी हो रही थी? देखिए बात वो है कि इस पिच के ऊपर रन्स आएंगे बॉलर्स को, ठीक है ना, लेकिन जब आप एक लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, देन फिर चांसेस होते हैं कि आप साथ में दो तीन आउट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी दुनिया का पिच हो, जब तक आपके पास एरिया नहीं होगा आप मार खाएंगे, और ख़ासतौर पे इन मुश्किल विकटों पे जहाँ बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी चार बॉलें तो एक जगह पे होना, आपको लाइन और लेंथ तो ढूंढनी पड़ती है। ये तो एज अ बॉलर मुझे भी पता चलेगा कि यार ये तो पिच बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं अपना प्लान चेंज करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ओवर के अंदर छः बॉलों के अंदर मैं बाउंड्री ना खाऊँ। तो जब मैं इस फोकस, इस माइंडसेट के साथ जब मैं बॉलिंग करूंगा, तो मेरा फोकस क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे एरिया में बॉल गिराऊं, सामने खिलाऊं, कि मुझे मिड ऑन और मिड ऑफ खेले वो ज़्यादा से ज़्यादा, दूर दूर बॉलें कराऊं, ठीक है। अब उस पर वो जब मैं डॉट बॉल और इस माइंडसेट के साथ जाऊँगा, तो होगा क्या कि बैट्समैन चांस लेना शुरू कर देगा। जब बैट्समैन चांस लेना शुरू करेगा, तो वहाँ मेरे पास चांस आना शुरू हो जाएगा विकेट का, क्योंकि मैं बैट बॉलिंग कम से कम कर रहा हूँ, अच्छी बॉलें ज़्यादा कर रहा हूँ, जिस पर उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आओ खुद चांस लो, मैं गंदा बॉल नहीं दूंगा आपको। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। नो डाउट विकेट बहुत अच्छी है, रन्स होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जैसे यूसुफ ने कहा कि रन होने हैं इसमें, लेकिन साथ में दो तीन विकेटों की चांसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला, एक चीज इस पे आप ये समझते हैं कि क्या ये जिस तरीके की विकेट्स बन रही हैं जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, तो इससे जो वनडे क्रिकेट है, स्पेशली वनडे क्रिकेट, टी20 में छक्के चौके पड़ते हैं उसके लिए विकेट्स बनाई जाती हैं, तो क्या वनडे क्रिकेट को नुकसान हो सकता है इससे? थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन। अगर इस तरह की पिच हो ना, फिर बॉलर के पास इतना मार्जिन हो कि एक ही बॉल 50 ओवर इस्तेमाल हो, ताकि थोड़ा सा रिवर्स स्विंग तो हो, थोड़ा सा बॉलर्स तो वो मेरा मतलब है उस चीज़ का फायदा उठा सके। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ नो डाउट लोग आते हैं एंटरटेन होने के लिए, उनको अच्छी पिचेस चाहिए होती है, छक्के चौके देखने आते हैं, लेकिन साथ में कुछ टीमों को थोड़ा सा बाउंसी सीमिंग ट्रैक पे, थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक पे भी खिला के देखो, इम्तिहान लो ना, पर इंटरेस्टिंग करो वर्ल्ड कप से थोड़ा सा, तो मैं ये समझ रहा हूं। और ये पूरा टेस्ट होगा। सॉरी, इसमें जो शायद ने बात की है ना, कि बड़ी अच्छा डिस्क्राइब किया कि मुझे मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर मारा। आपका वसीम जूनियर 10 ओवर में 60 दिए, 400 रन हुए, and he got 3 wickets. Why? Yes, because just, he was bowling on a good channel with a good pace, aur us channel ke upar batsman ko usne kaha ki you try to Shaheen ki strength hai ye, uski weakness bhi ban jati hai, uski strength bhi ye hai when he start looking for wickets. Kai pitchon ke upar as a bowler aapko wicket ka sochna nahi padta, aapko contain karne ka sochna padta hai. Kehte na good players always adapt the conditions. In condition ke upar Haris Rao pace se wicket nahi milenge, Haris Rao ko Haris Rao ko wicket milenge acche overs karne ke upar. वसीम जूनियर ने क्या किया, उन दोनों से ऑलमोस्ट सेम पेस है ना, वसीम जूनियर 143-144 कर रहा था, खिंची लाइन पर ला के विकेट टू विकेट मार रहा था, थोड़ा स्लिंगी एक्शन है, उसने क्या किया वहाँ मारता रहा, उसको पड़ी है, ये नहीं पड़ी कि उसको 60 रन हुए, मगर क्या किया, जैसे बैट्समैन उसके ऊपर चांस लेते थे उसको विकेटें भी मिल रही थी साथ साथ, तो उसका फिगर क्या है एट द एंड ऑफ द डे, मैच खत्म हुआ 400 के खिलाफ हुआ 60 रन 3 विकेट, वेरी गुड स्पेल। एंड कमिंग बैक टू इंडियंस, उनके तीन बॉलर क्यों विकेट ले रहे हैं, उनके तीन बॉलर इन पिचों के ऊपर क्यों नहीं रन कर रहे, वो भी तो सारी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं ना, बिकॉज उनके प्लान बड़े सिंपल है, भैया मिड ऑन एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट के ऊपर चौके मार लो, ये हमारी फील्डिंग है, इसके ऊपर मार लो, मैं चांस नहीं लेना, तुम लो तो लो चांस। जब ये शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की कि चार बॉलें अच्छी करूंगा, हाँ एक अच्छी बॉल पर चौका पड़ेगा, पर छोड़ू ना वो लेंथ, वो अगर मैं, क्योंकि कई दफा बंदा डर की वजह से, बैट्समैन की अच्छी शॉट की वजह से अपने आप को चलाकी करने की कोशिश करता, फिर और भी फेंटी खाता है। हमारे जितने भी बॉलर हैं उनको हर तरफ स्कोर हुए, इसलिए ये बॉलिंग कंसिस्टेंट नहीं हुई। बिल्कुल, सो बॉलिंग कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। यूसुफ ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर वापस आऊंगी तो आपसे जरूर पूछूंगी कि जब बैटर को पता होता है कि इतनी अच्छी विकेट है और मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा, तब वो चांसेस लेना शुरू करते हैं और वहां वो विकेट गंवा सकते हैं। मैं ब्रेक पर जा रहे हैं हम, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और जोर का जोड़ में हमारी डिस्कशन जारी है पाकिस्तान के हवाले से, और अभी जो मैच जारी है इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, 68 रन बना लिए हैं इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर इस वक्त जारी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले तो आपको बताएं कि इस ब्रेक के दौरान क्या कुछ हुआ, दोनों होस्ट माइनर इंजरीज आई हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से। जी सवेरा पाशा से जो है ना माजरत चाहूँगा, उसकी वजह नहीं बताऊँगा, वजह डिजिटल पे जाएं और देखें कि मैं क्यों चाह रहा हूं। ये जो हम सवालों से जो है ये बम्बार्डमेंट करते हैं ना अपने गेस्ट पे, इन्होंने
दूसरे तरीके से बम्बार्टमेंट की हमारे पास। वो आप डिजिटल मीडिया पे जाकर हमने पूछा भी है, हमने पूछा है कि इस बॉल लगने की वजह से, अरे आपने पूरा सस्पेंस बता दिया यार, मतलब सस्पेंस डिजिटल पे जाके लोगों ने देखना है। बॉल मुशी भाई को भी लग सकता है, इससे मुशी भाई की दिमागी तवाज़ुन ठीक हो सकता है। ऐसी बात होती ना तो बड़ों बड़ों का हो चुका होता। से आइडिया होगा। अच्छा जी, चेंज कर लिया गेम। अहमद शहजाद को कहा जाता है कि वो गेंद लगने के बाद करियर में थोड़ा सा जो डाउन आया था ना, जिसके बाद वो डर बैठ गया। पहले मिले हुए अहमद को? जी जी। नहीं नहीं, मैं नहीं मिला। क्यों नहीं मिले हुए? नहीं ये नहीं मिले, नहीं मिला। शेर मेमन साहब नहीं मिले। मेरा सही नाम क्या है वैसे? उमर मेमन। ओए होए होए यार, मुझे बॉल नहीं लगी। माजरत की है वो आपने समा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, यूट्यूब पे जाएं और ट्विटर पे भी अपलोड हो जाएगी वीडियो के बाद, आपको सारा पता चलेगा कि हुआ क्या इस ब्रेक के बीच में। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और स्पार्क्स का सवाल, कल का जो सवाल था आपके सामने रखते हैं, लकी विनर का नाम भी अनाउंस करते हैं। अच्छा, कल सवाल ये था कि जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है कितने रन की है और किस किस खिलाड़ी के दरमियान है, तो स्टार्ट छोटी तीन सवाल जी, पहले तीन के छह सवाल लाला जितने। अच्छा जी, एशियन है? नो नो। ऑस्ट्रेलियन है? नो। हाँ जी जी, क्या कह रहे हैं? पार्टनरशिप कहीं और भी है, मैं वो मैच देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, वो साउथ अफ्रीकन है? नो। वेस्ट इंडियन? यस। ओके, सारे तो मुल्क बता दिया आप। कौन? गॉर्डन ब्रिज और हेंस, नाम एक साथ नहीं बताते। अच्छा तो कुछ और आए गेस्ट तक। अच्छा, वो खब्बा एक बैट्समैन उसमें? जी ठीक है। मारा रे नहीं, वो नहीं, ऊपर वही ऊपर। हाँ, जल्दी जल्दी। एक खब्बा है और एक दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाम क्रिस गेल है? जी बिल्कुल। और दूसरे का नाम है, क्या नाम है उनका, शे होप? नहीं। गेल के साथ कौन ओपन करता था काका? हां अभी नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड कप 2015 वाले, 2015 में। हां थोड़े अग्रेसिव भी रहे हैं और एक दो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी रहे हैं इनके, किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से लड़ाई हुई थी गालिबन। सैमुअल? यस, मार्लन सैमुअल। 372 रन की पार्टनरशिप थी। वेल डन। तालियां जी। ठीक है जी, तो ये है सही जवाब। और कौन है हमारा लकी विनर? आपको पता है जमैका का वो बदमाश कहा जाता है उसको? यस यस, वो दोनों जमैकन है, दोनों जमैकन ऑन फील्ड और भी हमने देखा है इस तरह। बहरहाल रूबीना कौसर है, भावलपुर से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने इसका जो लकी विनर आज की टहरी है। जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन रूबीना आपके लिए बहुत सारी तालियां, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या जीता रूबीना? कंग्रेचुलेशंस रूबीना, और आपने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल आपके सामने रखते हैं, वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचेस किस मुल्क में मुनक्किद हुए हैं, वर्ल्ड कप के मैक्सिमम मैचेस किस कंट्री ने होस्ट किए हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इसका जवाब देना है। और जवाब देने के लिए मुशी भाई मुस्करा रहे हैं अभी, लेकिन कल इस पर आपसे कसौटी होगी। आपने, आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने व्हाट्सएप करना है इसका जवाब, अपना नाम और एड्रेस। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 03466503661, इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है जो आपका जवाब है। बिल्कुल जी, सो जल्दी से जवाब दीजिए और बन जाइए लकी विनर। कमिंग टूवर्ड्स यू यूसुफ, आपसे मैंने एक सवाल तो पहले जाने से पहले पूछा था, मगर उसके बाद अब अभी इस वक्त जब हम इंडिया को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, यूसुफ एक बड़ी एक मज़े की सिंक्रोनाइजेशन है इंडिया की बैटिंग में। एक बैटर चार्ज कर रहा है, दूसरा जो है उसको टाइम दे रहा है, वो आउट होके जाता है तो दूसरा चार्ज करने लगता है और पहला, इट इज़ लाइक अ रिले रेस जो वो खेलते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन हमें पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं नजर आती? अब होनी चाहिए, ये किसी हर टीम में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इंडिया वाले ये इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ग्राउंड में, जो कोच उनको प्लान दे रहा है, जो कैप्टन, ये सारे मिल के जो प्लान बना रहे हैं उसके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। जब रोहित खेल रहा था तो वो ज़बरदस्ती शॉट नहीं खेल रहा था, गिल जब उसको मिलती थी तो उसने दो तीन ऐसी ज़बरदस्त शॉटिंग खेली। एक पर तो मैं और मुशी भी बात कर रहे थे कि ये अनबिलीवेबल शॉट थी जो उसने मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से दूसरा चौका मारा था। और ये भी है कि लग रहा है कि बड़ा प्लेयर आगे वो निकलेगा। तो इंडिया की जो बैटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़े मेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकल भी हैं, मेंटली भी हैं, गेम अवेयरनेस भी है। ठीक है, कि जब तक रोहित खेल रहा था तो वो देख रहा था कि मुझे बॉल मिलेगा तो मैं मारूंगा। रोहित आउट होकर गया तो उसने स्टेप लेके सामने छक्का मारा है, हालांकि ज़रूरत नहीं, 6 ओवर में 60 हुए हैं, लेकिन एक प्लान है। हाँ। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने प्रेशर रखना है दूसरी टीम पर, वो उसको लेके चल रहे हैं। अब कोहली को बॉल मिलेगी तो वो मारेगा, वो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेगा, गिल चार्ज करेगा। ठीक है, इसी तरह जब अगर गिल आउट होता है तो कोहली फिर चार्ज लेगा। ठीक, ये इस तरह इन्होंने सिस्टम बनाया जो नजर आ रहा है थ्रू आउट इनकी
जो बैटिंग कर रहे हैं ये वर्ल्ड कप में वो नजर आ रहा है, और देखा जाए तो उनकी बैटिंग लाइन बहुत ही जबरदस्त है, प्रॉपर बैटिंग लाइन है, टेक्निकल साउंड है, और इवन अगर ये टेस्ट में भी यही सारी टीम खेले तो कोई मसला नहीं, इनकी टीम ऐसी है। टेस्ट में ही खेलते हैं ज्यादातर शायद, हाँ, इस वजह से आपको ये इस फॉर्मेट पैसे दिख रहे हैं। बट रोहित शर्मा ने किस तरह अपनी विकेट गवाई, रबाडा ने किस तरह उनको क्या ट्रैप करने की कोशिश की, या आप लोग बेहतर बता सकते हैं मुशी भाई अगर आप बताएं। शॉट अच्छा मारा, अच्छा एरिया भी सही था मिड ऑफ के, मिड ऑफ की तरफ, लेकिन थोड़ा सा बॉल आगे गिर गया जिसकी वजह से वो उठा नहीं पाया मिड ऑफ के ऊपर से। इंटेंट अच्छी थी, लेकिन ये था कि अगर इसी को निकल के इसको अगर नीचे की तरफ ही लेके जाता और कवर की तरफ या मिड ऑफ की तरफ, तो वो ज्यादा बेहतर बच जाता, मतलब आउट ना होता। इसलिए इस पे इस बॉल को उठाना मिड ऑफ की तरफ से थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसे तेज कैच भी लाला, जो ऐसे तेज कैच होते हैं ये भी लेना खासा मुश्किल होता है। और अपॉर्चुनिटी मिली, कैच था तेज था, अच्छा कैच था, बड़ा जबरदस्त कैच लिया, बड़ा रिफ्लेक्सेस बहुत जबरदस्त, बिल्कुल रिफ्लेक्सेस बहुत तेज चाहिए इसके लिए जिस तरह क्विक कैच लिया। पर मुशी भाई, कमिंग टुवर्ड्स टीम पाकिस्तान अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली कल हम जीत गए, कल तो ऐसा था कि फरिश्ते उतरे हमें जिताने के लिए, और जिस तरह बारिश हो गई और इतनी फिर बारिश हुई, जबकि हम जब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो दे हैव गॉट ब्रिलियंट ड्रेनेज सिस्टम, बट कट ऑफ टाइम तक क्योंकि बारिश होती रही तो पाकिस्तान को मौका नहीं मिला खेलने का, मैच आगे बढ़ने का, एंड पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ इन अ सेंस। बट हमें गलतियां निकालनी पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को पिन पॉइंट नहीं करेंगे तो आगे आने वाला, ठीक है इंग्लैंड इज डाउन एंड आउट, बट यू नेवर नो व्हेन दे कैन बाउंस बैक, चैंपियंस ट्रॉफी इज एट द स्टेक। सो क्या गलतियां आप पिन पॉइंट करेंगे? ये हम देख भी रहे हैं जो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दे गॉट अ ब्रिलियंट ड्रेनेज सिस्टम, अमेजिंग। आई थिंक ये उन्होंने जो एक्सप्रेस करवाया ना, देखिए ये प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को बुला के दिखाया गया है कि लुक हम मॉडर्न क्रिकेट को मॉडर्न तरीके से मॉडर्न ग्राउंड्स बना रहे हैं ताकि चर्चा के लिए, और इसकी वजह पता क्या, आने वाले वक्तों में इनकी इनके मुल्क में क्रिकेट करवाना आसान है, जैसे मर्जी कंडीशन होगी ना लोगों के माइंड सेट में, पूरी दुनिया में पता क्या जा रहा है, यार क्या सिस्टम बना दिया, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ग्राउंड बना दिया इन्होंने, ड्रेनिंग सिस्टम इतना तगड़ा कर दिया। अब इससे माइंडसेट क्या हो रहा है मीडिया के थ्रू, मेरा माइंडसेट बन रहा है कि यार इंडिया में मैचेस हो सकते हैं। पाकिस्तान को यही हम बार बार कर रहे हैं कि जो हमारे चेयरमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू स्पेंड टाइम ऑन ग्राउंड्स, मेक ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, ताकि लोगों को पता चले कि आईसीसी चैंपियनशिप, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान इज रेडी टू डू दैट, पाकिस्तान इज रेडी टू होस्ट थिंग्स। और बाकी जो पाकिस्तान की खामियों की बात आप क्रिकेट की करते हैं तो बात वही आ गई बॉलिंग में, जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान ठीक है मार्जिन ऑफ एरर, हम सारे कहते हैं हमारे बॉलर बहुत तगड़े हैं, दे गुड बॉलर्स, दे प्रूव्ड, बट हम अडेप्ट नहीं करते, विकेट कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे अटैक नहीं करना, ये चीज़ें बंदे को सीखनी पड़ती हैं। आप अपनी पेस से अपनी, मैं अगर लेग ब्रेक गुगली बॉलर हूँ तो इट डज नॉट मीन कि मुझे जाते ही विकेटें मिलेंगी, मुझे अपने प्रोसेस का ख्याल रखना पड़ेगा, टर्न हो रहा है तो मैं चांस लूँगा, अगर टर्न नहीं हो रहा तो जैसे शायद ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझे दूर दूर खींचा मैं करूँ, मिड ऑन के ऊपर से मारे, वो मेरा चांस तो है ना। इसी तरह वसीम जूनियर ने शो किया कल, 2-3 मैचों में उसने शो किया, हालांकि पिच उसके लिए भी वैसे ही थी क्योंकि उसने लाइन लेंथ को कंट्रोल में रखा, उसने दोनों खब्बा आता था तो हम देख रहे थे ऑफ स्टंप टॉप ऑफ वो खिंची हुई गेंद पे टॉप ऑफ कर रहा था, जो रविंद्र जो था उनका खब्बा बैट्समैन, वो भी 2-3 दफा बीट हुआ उसको, वो निक मार सकता था, बिकॉज खिंची हुई गेंद को जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो यू हैव टू प्ले अ गुड शॉट, अ गुड शॉट के अंदर फिर आपके पास चांस जरूर होता है क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू द फील्डर्स। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं पाकिस्तान को इंप्रूव करने की जरूरत है, और आई पर्सनली थिंक इन द एंड आई वुड लाइक टू से दिस, they have to play a spinner because aap genuine panchwa bowler nahi khilaoge it can hurt you big time. ek hafta hai hamare paas england ke match pehle, sorry main baat kaat rahi hu because main chahti hu aap usme add up karte hain, ek hafta hai hamare paas england ke match se pehle, agar to shadab nahi aapko lag raha ki wo available ho sakta hai, can we just replace abrar and le aaye abrar, humne to 3-4 din pehle se hi baat karna, agar usko fit nahi hai, shadab fit nahi hai to abrar is the best choice, usko kisi ne nahi dekha hua in jo team mein aayengi, aur ye england ke khilaf agar jo test match mein khela क्या किया उसने, पिंडी की फ्लैट पिच के ऊपर उसने पंजा चिक्का लगा दिया था, 10 आउट 11 आउट कर दिए थे, हालांकि स्पिन नहीं थी, वो जो मिस्ट्री होती है ना कई दफा आप उस मिस्ट्री की रिस्पेक्ट में आप 8-10 ओवर है उसके अच्छे खेल लोगे, वो 1-2 विकेट ले लेगा, आपको गेम के अंदर ले आएगा, तो यही चीज जो है ना ये प्रोएक्टिवली आपने डिसीजन लेने, ये नहीं कि उसको फेंटी नहीं पड़ सकती, मगर जब उसको फेंटी पड़ेगी आपको रिग्रेट्स नहीं होगा बिकॉज यू वेंट विद जेन्युइन, आपने सिलेक्ट क्यों किया हुआ है लोगों को, सिलेक्ट इसलिए किया होता परफॉर्मेंस होना ना होना, फखर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, कल वो हीरो बन गया
क्योंकि आप बैंक करते हो ऐसे लड़कों के ऊपर जिसको आपके कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन होती है, उन लोगों को स्पेशलिस्ट को आप खिलाएंगे तो स्पेशलिस्ट जब आप मैच को हराते भी है ना तो आपको ज्यादा कीड़े नजर नहीं आते। याद रखिएगा, जब खुदा न खास्ता आप स्पेशलिस्ट पे नहीं जाते, इफ एंड बट्स के ऊपर जाते हैं ना तो खुदा न खास्ता मैच हारते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये क्रिकेट दिलेर ऑफ क्रिकेट नहीं खेल रहे हम। लाला यही ग्राउंड होगा, यहीं पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ मुकाबला करना है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही मुकाबला होगा। हमें अभी तो फिलहाल तो दिख रहा है कि स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही है यहाँ की विकेट पे, और ईडन गार्डन में जनरली मिलती है एंड लेटर ऑन जो है वो बैटिंग के लिए वो अच्छी हो जाती है विकेट। सो अबरार के उस पर आप क्या कहेंगे, उस लड़के के साथ तो बहुत प्रेशर नहीं होगा कि उसको आखिरी वर्ल्ड कप के बिल्कुल उस मैच में खिला रहे हैं जो डिसाइडर है फॉर अस टू गो इन द सेमीफाइनल। देखिए मुशीबा जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एक डिसीजन लेना पड़ेगा इनको, और नो डाउट कि आपको अब मुशीबा बात यह है कि कप्तान और मैनेजमेंट के माइंडसेट के ऊपर भी तो बात है ना कि वो क्या बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ जाना चाह रहे हैं या बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ, ये भी एक इशू नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल में डिसीजन उन्होंने ही लेना है, उन्होंने कप्तानी लड़कों को अंदर खिलाना है, तो जो भी डिसीजन लें क्लियर माइंड से लें, एक्सक्यूजेज ना हो बाद में, हम उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए ना, तो एक क्लियर माइंड सेट हो, नज़र आए ग्राउंड के अंदर लड़ते हुए करते हुए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, बात करेंगे उनके ऊपर। जहाँ तक आपने यहाँ की बात की है, मेरे ख्याल में पिच बहुत अच्छा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बैटिंग के लिए सूट करेगी ये चीज़। बॉलर्स वही वाली बात के स्ट्रगल कर रहे हैं, हर टीम कर रही है, लेकिन सवेरे ये सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ है जी। ये तीन स्टंप्स लगे हुए, आप यहाँ पे बॉल करें, अब इस जगह पे जब बॉल होती है ना तो इस जगह पे आप सामने भी नहीं मार सकते, खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि बॉल की हाइट ये होनी है, ठीक है, थ्री स्टंप्स के ऊपर जो बात हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप पुल भी नहीं मार सकते, तो ये हम जो बात करते हैं मुशीबा या यूसुफ, हम ये बात करते हैं कि जितना खिंचा हुआ बॉल करेंगे ना, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर, उसने सामने ही खेलना है, उसने ये सामने ही खेलना है उसे। अब इन जगहों से बड़ी शॉट नहीं लग सकती, इन जगहों से उस वक्त शॉट लगेगी कि जब आप, यही एक चांस बनता है आपका, अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा इसी एरिया को बॉलर को भी चांस मिल जाएगा। ब्यूटीफुल वे टू डिस्क्राइब, और ये देख लें उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी रोहित शर्मा की विकेट है, सामने मारते हुए आउट हुआ है, साइडों पे मारते आउट नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट बॉल विकेट था सीधा था। आई थिंक वेरी वेल डिस्क्राइब्ड, आई थिंक। और दूसरा मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, शायद भी कप्तान रह चुका है, यूसुफ भी कप्तान रह चुका है, शायद जैसे आपने कहा कि कप्तान और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पिच आपने देख ली दोनों ने, यूसुफ कंडीशन आपने देख ली, वेयर डू यू बैंक विद सिक्स बैट्समैन और फाइव बॉलर्स, और यू गो सेवन बैट्समैन एंड फोर बॉलर्स। देखिए मुशीबा, जब आप जीत नहीं रहे होते ना, पीछे आपकी जीत नहीं होती, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते होता कि, और आपके जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो डिलीवर करेंगे और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर आप एक चीज़ करते हो कि यार मैं इस एरिया को तो अपना स्ट्रॉन्ग करूँगा ना। अच्छा बिल्कुल, इसलिए कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप तीतर बटेर वाला खेल नहीं खेलते, आप कहते हो कि यार मैं अपनी बैटिंग को तो स्ट्रॉन्ग करूं ना यार, क्योंकि जितवा तो बैट्समैन रहे ना आपको, बॉलर्स तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, चाहे जितनी भी अच्छी बॉलिंग हो 350-400 रन तो हो ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक समझ आ रही है बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ या बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ। देखिए टीम तो बैलेंस ही होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप क्लियर माइंड नहीं लग रहे, हम लोग भी बाहर क्लियर माइंड नहीं है, हम जब शायदी सही नहीं करा था हम कह रहे थे उसको डालें, वो क्या नाम है उसामा को, उसामा ने सही नहीं किया, हमने कहा ये क्या हो गया, अब ये है कि वो जो बाहर है अब उसको खिलाएं, तो वो भी अगर ना कर सका तो फिर कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, तो क्लियर माइंड नहीं है, कोई वैसी टीम बनी नहीं हुई जैसे कि इंडिया की या साउथ अफ्रीका की बनी हुई है, तो मेरा ख्याल लीव ऑन मैनेजमेंट एंड कैप्टन, वो क्या टीम बनाते हैं उनकी, क्या उनको फील होता है बैट्समैन ज़्यादा डालने हैं या बॉलर, मेरा ख्याल है जो अभी कल की जो नज़र आ रही है वो बैटर्स पर ही नज़र आ रहा है कि वो बैटर्स पर ही ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अफ्ती ने कल भी 8 ओवर में 54 रन दिए और उसको 2 ओवर में 21 रन पड़े हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लक तो यही रहा है जो जिस तरह का इनका माइंड सेट है कि वो अपनी इसी टीम से जाएंगे। 4 फास्ट और 2 हमारे जो ऑलराउंडर्स, भरल केशव महाराज की एक जबरदस्त बॉल और गिल बोल्ड हो गए, रिव्यू लिया है शुभमन गिल ने जो है, थर्ड अंपायर से चेक कर रहे हैं कि ग्लव्स विकेट पे ग्लव्स नहीं लगे आपने, अच्छा कीपर के लग के ना विकेट पे लगा, अच्छा ओके, वही बॉल डंडे पे लगा हुआ, मुझे लग रहा है कि वैसे किस किया बॉल स्टंप्स को,
आप बॉडी लैंग्वेज रीड करें ना इधर से कीपर की, कीपर को दिखाना चाहिए। अब अच्छा को कैमरामैन होता है, कीपर आपको पता चल जाता है कि वो डाउटफुल है, कीपर के अंदाजे से आपको लग रहा है। अब यहाँ पे होता है प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना उनके भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आईसीसी को बता सकते हैं कि उन्होंने आपके कैमरामैन ने बैट्समैन को क्यों नोट किया है। यहाँ पे तो कीपर को नोट करने वाली जरूरत है क्योंकि जोर के जोड़ में हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये इस डिलीवरी के बारे में क्या कहेंगे मुझे? ब्यूटीफुल बॉल, क्या बॉल है, ड्रिफ्ट हुआ, स्पिन हुआ है और इतना आला स्पिन हुआ है, ब्यूटीफुल बॉल। एक जेन्युइन जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं बॉल करता, आउट हो गया, बोल्ड हो गया, लग रहा है ऊपर टॉप का लग रहा है ना, तो विकेट ली है ना। हाँ ठीक है, लग के बॉल ऊपर गई है कीपर के पास। बिल्कुल बेल्स को उड़ाती हुई जबरदस्त बॉल है और ब्रिलियंट बॉल पहला ओवर था, केशव महाराज चेक कर लेना चाहिए था अगेंस्ट द स्पिन के है, अगेंस्ट द स्पिन में जबरदस्त एक बॉल जो है वो महाराज की तरफ से, एंड गिल की इनिंग को जो है यहाँ ब्रेक लगी। और अब हमारे शो को ब्रेक लगने वाली क्योंकि हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 Special. It is India versus South Africa. और इस वक्त इंडिया ने 101 रन बना लिए हैं दो विकेटों के नुकसान पे, एंड दिस इज द 14th ओवर दैट इज गोइंग ऑन। विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर आर ऑन द क्रीज राइट नाउ, मगर शुभमन गिल जिस तरह खेल रहे थे, जिस तरह चार्ज कर रहे थे, वो उस तरह चार्ज करते हुए अभी ये दोनों नहीं दिख रहे, बट इवेंचुअली पार्टनरशिप आगे बढ़े तो फिर देखेंगे हम। बट मूविंग ऑन फर्दर, जो डिस्कशन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग के हवाले से तो हो रही थी, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लाला कमिंग टूवर्ड्स यू, अभी मुशी भाई ने बात की, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, हम स्टेडियम्स की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि किस तरह फैसिलिटीज, 15 महीने रह गए हैं लाला सिर्फ जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका फेब्रवरी अभी तक टेंटेटिव डेट आई है, 15 महीने में क्या हम अपने स्टेडियम्स को कहीं से बेहतर कर सकते हैं? 34,000 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची, ये सबसे बड़ा ग्राउंड है हमारे मुल्क में। 15 महीने की ये अंदर सारी ये अरेंजमेंट करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सबसे पहले कि कुछ डिसीजन जो है ना वो ऊपर लेवल से होने चाहिए अबाउट चेयरमैनशिप, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ों को लेके चलना है। जो नेक्स्ट आएंगे एक्सटेंशन तो मिल गई उनको, वो अभी से अपनी वर्किंग शुरू कर लें, ठीक है, ताकि अगर वो हों इलेक्शन के बाद या ना हो तो जिस जो भी नए शख्स आते हैं ताकि उनके लिए तो एटलीस्ट हर्डल्स ना हो ना, उन्होंने सॉर्ट आउट की हुई हो चीज़ें, मुल्क तो इसी तरह चीज़ें तो इसी तरह ही चलती है मेरी नज़र में। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंडियन की। ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूँ ना तो इन्होंने अपने क्रिकेट में बहुत इन्वेस्ट किया है, क्रिकेटर्स पे भी और ग्राउंड पे भी, अकेडमीज जहां जाएंगे आपको नए ग्राउंड, अगर नहीं पुराने ग्राउंड उनको दोबारा बनाए गए, और हर ग्राउंड के अंदर आपको जबरदस्त किस्म की अकेडमी नजर आएगी। ये वो चीजें हैं, देखिए आप इन्वेस्ट करते हैं ना, आप जमा नहीं करते, जमा करने से होते नहीं रहते हैं, आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसे से पैसा बनता है, अगर सोच वाले मार्केटिंग और बिजनेस माइंडेड लोग, प्रोफेशनल लोगों ने काम करना आता है। और मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत पूरी टीम ही है आपकी, उनको मैनेज करना, लॉजिस्टिक वगैरह, ये सारी आठ टीमें, उन कहाँ कहाँ कौन कौन से वेन्यूज होंगे, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, उन पे वर्किंग तो मेरे ख्याल में दो साल पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। वेन्यूज कितने सारे कम हो गए हैं, बहुत सारे वेन्यूज ऐसे थे जहाँ पर क्रिकेट होती रही है, आप सब ने खेली है, लेकिन वो ग्राउंड अब सारे, हैदराबाद ग्राउंड, हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन उसको हमने बेहतर करना था, भावलपुर में देखें आपका गुजरांवाला स्टेडियम, फैसलाबाद बहुत, पेशावर की पिच बहुत अच्छी होती थी। आप ये सही कह रहे हैं कि इस पे हमें ना प्रॉब्लम पता क्या है, एक्चुअली चेयरमैन को भी समटाइम हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि एक चेयरमैन आता है उसको टेन्योर में जब वो डिसीजन कर रहा होता है तो दूसरा आ जाता है, तो ये उसके उनके लिए भी मुश्किल है। इसके लिए जो हम बार बार इस प्रोग्राम के तवसल से बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि जिस तरह शाहिद मिलके आया फॉर एग्जाम्पल, अब यूसुफ काम कर रहे हैं, अगर इनके प्लान्स पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो जाए, ये जो प्लान जो है ना उनको एग्जीक्यूट करके अगले 3 साल तक कोई भी बंदा आए ये प्लान्स को ऑन कर ले, शाहिद रहे ना रहे, यूसुफ रहे ना रहे, कोई ये प्लान्स को ऑन करना, जो मैनेजमेंट होती है ना जो बहुत सालों से काम कर रही है, वो जब एग्जीक्यूट करवाएगी ना तो एग्जीक्यूट करवाने के साथ साथ ये बाउंड कर ले, पेपर के ऊपर बाउंड कर ले
कोई भी आए या जाए ये प्लान अच्छा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा देगा, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंडों को फायदा देगी। चेयरमैन कोई भी आए, कोई बंदा भी आए, इस प्लान को एग्जीक्यूट करे, सिस्टम ना, सिस्टम ना हिले, सिस्टम ना हिले। मुशी भाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना देनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एक इंडिपेंडेंट बना दें कमेटी जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई लेना देना नहीं हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से। यू मीन थिंक टैंक? उनको ये फिक्र नहीं होती कि कौन सी हुकूमत है कौन सी नहीं है। yes. वो थिंक टैंक पाकिस्तान के फ्यूचर, पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से, पाकिस्तान इकोनॉमी को किस तरह बेहतर exactly. करना, वो चलती रहती है, उसका हुकूमतों से ताल्लुक नहीं होता। तो थिंक टैंक की जरूरत ऑनेस्टली बहुत ज्यादा है पीसीबी के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द ग्राउंड्स जो हमें देखना है, नॉट ओनली ग्राउंड, आठ टीम्स आएंगी, आठ टीम्स के पूरा ग्रुप आएगा। हमारे पास हॉस्पिटैलिटी है क्या ऐसी? हमारे पास क्या इतने फाइव स्टार होटल्स इस तरह के हैं जिसमें वो आठ टीम्स आके रुकेंगी? अच्छा, ये वैसे मैंने आपको बताऊं, पिछले कोई तीन चार साल से मेरा एक्सपीरियंस हुआ है काम करने का ग्रास रूट के ऊपर, डोमेस्टिक क्रिकेट में। बलोचिस्तान के साथ मैं काफ़ी काम किया है, दो तीन टूर्नामेंट किए हैं। yes. प्लान्स बहुत अच्छे हैं लोगों के पास। पता है क्या होता है, चीज़ें चेंज होती है ना, प्लान्स भी चेंज हो गए। यहाँ पे मोर प्रॉब्लम है, गुड, क्योंकि ये जो जितने भी हैं, नदीम खान हो गए, आप जितने भी लोग आए हैं, ये जितने काम करें ना, इनके पास विजन है और क्रिकेटर्स इनके साथ बैठ के बात करते हैं। yes. जैसे मैंने कहा ना, सकलैन और यूसुफ आए थे ना अकेडमी में, उमर रशीद थे, ये सारे इन्होंने बड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। बिल्कुल, कैंप पे कैंप लगा था, मुडी पर आते थे, कैंप लगा होता है, हर वक्त चल रहा था। कल शाह ने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा, मनीप के प्रोग्राम में कहा कि जी हर वक्त चलता रहना चाहिए, साइकिल चलता रहना चाहिए। बिल्कुल, अब ये प्रोग्राम जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे ना, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, इनको सिर्फ आपने टाइम देना होता है और इसके ऊपर ध्यान रखना होता है बस। और अब कोई आए या ना आए, ये प्रोग्राम चलते रहने चाहिए बस, फिर आपके प्लेयर भी तगड़े हो जाएंगे, लोगों को भी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज होती है, सबसे पहले पता है लोगों का क्या डर होता है, अब मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। exactly. बस exactly. वो डर, वो खौफ जो है, हम पाकिस्तान टीम की क्या बात करते हैं, फखर जमान का कल डर नहीं था, ये फखर जमान पांच मैच खेलेगा, दो में ऐसे खेल जाएगा। अब हो क्या गया कि फखर जमान को जब ये पता चलेगा कि यार मैं अगर ऐसे आउट मारते आउट हो गया तो मुझे निकालना दें, तो मैं अपना पहले 20 कर लूं। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, यार पहले मैं सेव कर लूं, चेयरमैन का क्या विजन है मैं उसके मुताबिक चलूं, बजाय के चेयरमैन हमारे विजन के मुताबिक चले, ताकि उसको भी पता हो कि याद रखिएगा, जब प्लान प्रोफेशनल लोग प्लान देते हैं ना, तो चेयरमैन उनको ऑन करे। yes. तो आप यकीन करें, वो गलतियां भी जो होती है ना छोटी मोटी, वो भी ड्यूरिंग प्लान आप ठीक कर सकते हैं। इट्स अबाउट ट्रस्ट। बिल्कुल, इट इज अबाउट ट्रस्ट। आपने एक बंदा हायर किया, अब उसके ऊपर ट्रस्ट करें। बट यूसुफ, क्या अभी क्या इंटरवल, कितने इंटरवल से जो है कैंप्स लगते हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में? लगने तो चाहिए, जो परफॉर्मर होते हैं आपके फर्स्ट क्लास के या अंडर 19 में जो लड़के रीजन में खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस है, इवन अंडर 16 के प्लेयर्स को भी आना चाहिए, ये आपके कैंप प्लान करने चाहिए, लड़के आने चाहिए। होते कितने चाहिए तो है? अभी तो ये तो आपको नदीम भाई या जो भी लास्ट रहे हैं वो बता सकते हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं कितनी बार आपको समझाऊं ये बात, नहीं मेरा काम अरे नहीं, कोई बैटिंग का कैंप लगेगा तो आपको इंटरवल तो पता है ना यूसुफ, कि आप में एक क्वेश्चन कर ले। कैंप सवेरा कैंप्स ठीक है होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बात यह है कि उन बच्चों को जब तक हम अंडर 19 या 18 के हमारे टूर्स नहीं होंगे, इन पिचों पे कितनी प्रैक्टिस करेंगे, लेके जाएं ऑस्ट्रेलिया, लेके जाएं इंग्लिश, इंग्लैंड लेके जाएं, खिलाएं उन जगहों पे, ग्रूम करें बच्चों को, खेलने दें, वहां के माहौल का पता चल जाए, उस हिसाब से उन बच्चों को बताओ कि भाई आप इस कंडीशन में खेल के आए हो ना, आओ अब हम आपको इन कंडीशन में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करें। ठीक है, डोमेन मेरी जो है मैं उसमें काम करूँगा। कैंप किसने लगाने हैं ये एकेडमी वाले बता सकते हैं। आपकी डोमेन नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछूं कितने इंटरवल लास्ट आपने बैठा। मेरा आपका सवाल जो आप करना चाह रही यूसुफ से, वो सवाल को मैं थोड़ा आराम से कर लूं, ताकि यूसुफ इजी में आप दूसरे की जबान समझते हैं। वो ये कहना चाह रही है, जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज अ बैट्समैन एकेडमी के अंदर मिली है, आप कहो कि मुझे पाकिस्तान के ये टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं इन बच्चों का बैट्समैनों का कैंप लगाना चाहता हूं ताकि इनकी ग्रूमिंग हो सके, इनकी टेक्निकल चीजें ठीक हो सके, तो आपके हाथ में है ये काम? नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ये। देखिए ना, ये उनके हाथ में, क्योंकि बजट सबसे पहले आता है। बिल्कुल, बजट मेरे हाथ में तो है नहीं, ये उनके हाथ में, उन्होंने प्लान करना होता है। सही, हेड कोच कौन है उधर एकेडमी का, उनका काम है ये चीजें देखना। नदीम भाई उनसे ऊपर अभी आए हैं, पहले नहीं थे, जब ये हमारे से पहले थे कैंप हुए बहुत हुए, नदीम भाई ने पूरा वो किया, जैसे अभी मुशी भाई ने बताया, नहीं मैं विटनेस हूं, भी मैंने वो कैंप देखे, वो कैंप होते थे, फर्स्ट क्लास के प्लेयर आए अंडर 19 के साथ, मुशी भाई भी साथ थे हमारे जब वो कैंप लगा, पूरा एक महीने का लगा था जनवरी में,
उसके अलावा फिर फर्स्ट क्लास के लगे हाँ। लेकिन कोविड आया वो खत्म हो गया, एक हफ्ता चला कोविड की वजह से खत्म हो गया हाँ। उसके बाद जब चेंज हुई हैं चीज़ें हाँ। तो रैपिडली उधर एकेडमी में लोग चेंज हुए हैं हाँ। मेरा ख्याल है जनवरी में नदीम भाई की जगह वो आगे थे इज़्ज़त सही साहब, उनको टाइम नहीं मिला हाँ। वो गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये जाकिर खान साहब आखिरी कैंप 2023 में नहीं, काफी टाइम हो गया हाँ। वैसे नहीं लगा, अभी एक लगा था अच्छा। अभी एक लगा था जब टीम श्रीलंका जानी थी yes. तो उसके लिए लगा था okay. उसमें मैं भी था, ब्रैडबर्न था, फिर आखिर में ये भी आ गया था, क्या नाम है हमारा बैटिंग कोच जो अभी है, तो ये आखिरी कैंप अभी लगा था थोड़ी देर। तो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी कैंप लगाना प्लान लगाना चाहिए, वो प्लान भी था, और उसमें मैंने आपको उस दिन बताया कि मैं चाह रहा हूँ जो कोचेज हैं जो बैटर्स के वो भी साथ आए ताकि हाँ। हमें हेल्प हो कि भी क्या लड़कों से काम हो रहा है, ये क्या उधर काम कर रहे हैं हाँ। मिल के हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिम्मेदारी दी हुई है फर्स्ट क्लास के कोचेस को, तो वो हमें पता होना चाहिए हाँ। कि वो किस तरह लड़कों के साथ काम कर रहे हैं। ये राइट नहीं होना चाहिए कि एनसीए में जो बैटिंग कोच है क्या उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि मुझे डोमेस्टिक में ये लड़के अच्छे दिख रहे हैं इनको बुला लें जरा एनसीए में, मैं इनको चेक करना चाहता हूँ। साई मैयूब की हमने परफॉर्मेंस देखी, इन्होंने भी देखी परफॉर्मेंस, क्या ये बैटिंग कोच जो कि एनसीए का उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए? खैर मोहम्मद यूसुफ की अपनी एक जिम्मेदारी है yes. अगर मैं मोहम्मद यूसुफ की जगह अपने आप को रखूं, ठीक है ना, वो हर एक इंसान का अपना तरीका हाँ. है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हाँ. मैं कभी भी इस तरह ना बैठता हाँ. भाई मुझे लोग चाहिए, मुझे काम करना, यहाँ पे मैं किस लिए बैठा हूँ हाँ. मैं कोई कुर्सी वगैरह के लिए तो नहीं बैठा भाई, मैंने अगर यहाँ बैठ रहा हूँ जिम्मेदारियां मैंने ली हैं, मुझे ये लड़के चाहिए ताकि इनके साथ मैं काम करूँ पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए। हेड कोच का काम क्या होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर फखर की कोई प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम है yes. फखर आपने सीधा मोहम्मद यूसुफ के पास जाना है और आपने मोहम्मद यूसुफ के साथ 15 से 20 दिन लगाने हैं, ठीक है। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी एक सोच है, वो थोड़ा सा तरीके से चलता है, यूसुफ अपना एक तरीका, मैं मुझसे इस तरह काम नहीं होगा कि मैं एकेडमी में बैठा रहूं, भाई मुझे प्लेयर्स लाके दो, मुझे मुझसे काम लो, मोहम्मद यूसुफ हूं मैं यूनिवर्सिटी हूं, मुझसे काम ले, मैं इस चीज को इस तरह देखता हूं। कागज सॉरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरा भी विजन है ना हां यहां जब तक पीछे बैक ना लो जी जी मैं देखता हूं कौन ऐसे बात कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। एक मीडिया आप सही बात करें आपके खिलाफ है, मुझे तो आज तक मीडिया ने बैक नहीं किया, हालांकि मेरे से बड़ा प्लेयर कौन आया, मेरे रिकॉर्ड नाराज है, नहीं नहीं नाराज नहीं जेन्युइन बात कर रहा हूँ ना, हमारे पास पावर नहीं है, हम अपनी एबिलिटी पे खेल, जो मेरे पास था अल्लाह ने जो मुझे दिया उस पे खेला, मैं कभी सिफारिश पे किसी को कह के तो नहीं हुआ। तो यहाँ ये चीजें भी बहुत काउंट की जाती है, पहले आप पावर दें फिर देखें काम होता है। अच्छा ये या मैं अगर अभी छोड़ के चला जाऊं आप लोग शोर डाल दो, या बड़े प्लेयर टिक के नहीं रहते हाँ। आपका ये भी तो प्रॉब्लम है, आपका मकसद के पूरा मीडिया हमारा ये प्रॉब्लम हाँ। ये इस चीज का बड़ा क्रेडिट यूसुफ को जाता है। वैसे एक बात मैं बताऊं ऑनेस्टली आपको, इस चीज का बड़ा क्रेडिट जाता है इस बंदे को के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं yes. उसके बावजूद मैंने नहीं देखा कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इतना बड़ा प्लेयर आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ yes. ये भी मैं आपको बता दूँ yes. मैं एक्चुअली एग्जैक्टली मैं ये शायद यही बात करने लगा था। देखें पाकिस्तान क्रिकेट में अब थोड़ी सी चेंजिंग आने वाली है इंशाल्लाह। पॉजिटिव, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज पता है क्या है, पॉजिटिव चीज ये है कि आपको शाहिद अफरीदी मिल गया, चेयरमैन से मुलाकात होगी, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी, ही वांट्स टू सर्व हिज कंट्री ऑन ग्रास रूट, वहाँ पे आपको इतने वो हाइप नहीं मिलती, शायद आपका काम नहीं देखा जाएगा, मगर वो काम असल वही है कि इसके यूसुफ काम कर रहा है एकेडमी में, सकलैन आया एकेडमी में काम कर रहा है, इनके टेन्योर के जितने भी लड़के हैं अब इनके अंदर एनर्जी भी है, ताकत भी है इस वक्त, ये 5-6 साल तक मिलजुल के जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारी बात जो इनके टेन्योर के हैं वो आएँ ग्रास रूट के ऊपर फर्स्ट क्लास के ऊपर काम करें। जैसे शाहिद ने कल कहा ना, इसलिए नहीं कह रहे कि इस प्रोग्राम के तवसल से लोगों को फिर याद दिलानी है कि चेयरमैन ने अगर कह दिया कि जी आप ग्रास रूट का प्लान बना के एग्जीक्यूट करवाएं, We will support you. Okay. अब वहाँ पे शायद को क्या चाहिए बंदे, कौन से राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, आपने देखना कोच कौन कर सकता है, मैनेजर कौन बन सकता है, मेंटोर कौन बन सकता है, आपका अंपायर कौन बन सकता है, आपका यू नो लाइक फिजियो कौन बन सकता है, ये एक एक बंदा आपने मुंतखब करना होता है टाइम लेके। कहते हैं ना बाय योर टाइम बिफोर यू मेक अ डिसीजन, डोंट रश ऑन थिंग्स। प्लान आप एग्जीक्यूट तब भी करा सकते हो जब आपके लोग अच्छे हों। अल्लाह का शुक्र है ये लोग सारे विलिंग और कर रहे हैं काम, जब ग्रास रूट के ऊपर काम करेंगे, जैसे शाह ने अपने मनीब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि ग्रास रूट अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, 18, और ये बड़ी खूबसूरत बात एंड में मैं आपको बता दूं, ये लड़के जब कैंप करके फर्स्ट क्लास अंडर 19 में खेलेंगे इनको सबसे बड़ा
बड़ा इंसेंटिव पता क्या है, जब इनका साउथ अफ्रीका का टूर मिलेगा इनको, जब इनको ऑस्ट्रेलिया का टूर, बांग्लादेश का नहीं, श्रीलंका का नहीं, सेना इंग्लैंड का जब मिलेगा, जहाँ पे इनको मुश्किल कंडीशन में। अभी मैं जब मिलके आया था उनसे तो मैंने उधर ये बात की कि ये हम श्रीलंका बांग्लादेश जिम्बाब्वे से निकलना पड़ेगा, हमें ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के टूर करने पड़ेंगे। ये अभी ये जो आपने बात की ये मैं चेयरमैन साहब को इंग्लैंड की पॉलिसी पता है क्या? जी जी जी। इंग्लैंड ने टूर किया ऑस्ट्रेलिया के एशेज का, ए टीम उसी वक्त उधर ही होती है, पैरेलली चल रही है। इंडिया भी यही कर रही है, हमें ऑस्ट्रेलिया का टूर इंडिया का याद है कि जब वो गाबा की जो विन हुई है वो सारे इनके इंजर्ड हो गए थे प्लेयर्स, नेट बॉलर्स और जो इनके ए टीम के लड़के थे उनको खिलाया गया था, नटराजन ने बॉलिंग की थी जो कि उनके नेट बॉलर थे। तो ये तो प्लान बनना चाहिए। बट लाला एक आपने उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, कल वसीम अकरम ने भी वो बात की कि बाहर से कोचेस बुला के डॉलर में पैसे देते हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज में पैसे देते हैं और फिर कहते हैं वैसी ही कारकर्दगी करके दिखाओ। ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जूनियर लेवल पे वी नीड टू हैव गुड सैलरीज, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज द ब्रेडविनर। गुड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही मैंने जो डिस्कस करनी है या जब बुलाएंगे चेयरमैन साहब से वो यही है, अगर हम एक गोरे को डॉलर के अंदर इतनी पेमेंटें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे मुल्क ने कोई टैलेंट पैदा नहीं किया था क्या? मेरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में, मुशी भाई की शक्ल में, इंजी भाई की शक्ल में, जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, यूनुस वगैरह, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी खिदमात है, हम इनको क्यों पैसे ना दें ये जो बाहर से हम बुला रहे हैं? एटलीस्ट वो बच्चे उनकी जबान तो समझ पाएंगे ना, और जितने पैशनेट तरीके से ये लोग काम करेंगे कोई और काम नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट चीज के काम लेने वाला होना चाहिए, ये काम सारे होते हैं लेने वाला। मैं मोहम्मद यूसुफ को अगर रखता हूँ, मोहम्मद यूसुफ को मैं पूरी अथॉरिटी देता हूँ, क्या क्या चाहिए आपको बताओ, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ, सिंपल, मेक इट सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने टास्क सेट कर लिया। सबसे बड़ा पता है क्या बात है, ये जो शाहिद ने बात की ना, अब मैं हूँ, यूसुफ है, शाहिद है, हमारी सबसे बड़ी जो असल जो हमारे हमें सॉर्टेड आउट करना मसला है, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, काम बड़ा इंसान का होता है, काम बड़ा होता है आपके जो प्लान्स होते हैं ना वो एग्जीक्यूट करने होते हैं। हमारा जो मैं बात कहता हूँ ना, कई दफा किटें खत्म करनी चाहिए, आपने जो परफॉर्मेंस कर ली वो डन, यू डन एंड डस्टी नाउ। हम फखर ने कल 100 कर दिया, मैच जिता दिया, डन एंड डस्टी, अगले मैच का सोचो, मूव ऑन। कोचिंग में भी, जिंदगी में भी यही है कि अगर जिस तरह हम प्लान बना रहे हैं, ये शायद बना रहे हैं या वसीम भाई बना रहे हैं, वसीम भाई जैसा क्रिकेटर, मोइन जैसा क्रिकेटर, राशिद, शुएब अख्तर, ऑल द नेम, वो ठीक है, आप जब ग्रास रूट के ऊपर लड़कों के साथ काम करेंगे, क्या ये इन यूनिवर्सिटियों से फिर आपको अच्छे क्रिकेटर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको इंजीनियर नहीं मिलेंगे, उनके पास टीचर जैसे होंगे, कहने जिस तरह का माली होगा बाग वैसे ही बनता है। बिल्कुल जी, जैसा माली होगा बाग वैसा ही बनता है। और यस, अब ये करना पड़ेगा, बिकॉज जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो मेरा ख्याल से फिर आपको लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। युवराज सिंह ने क्या किया था, शुभमन गिल की हमने बैटिंग देखी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और क्या क्या और हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, 5 बजे वाले शो में इस हवाले से भी बिल्कुल हमारी डिस्कशन होगी। जाते जाते एक तो स्पार्क्स और पीके आपने विजिट करना, इस हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन आपने समा के जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, ये जो 2 घंटे का गैप आ रहा है ना 5 से पहले, आपने उससे जुड़े रहना, क्योंकि समा की जो जोर का जोड़ की टीम है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक ऐसा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रही है जिसको आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो ये एक पैगाम, sparks.pk को विजिट करें और इस वेबसाइट के जरिए स्मार्टफोन या एक्सेसरी खरीदें, और फाइनल के मौके पर लकी विनर ठहरें। आप चूँकि 5 दिन की मुलाकात पर बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।